नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। मित्रों, क्या आप भी परेशान हैं एक नहीं अनेक परेशानियों से? मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हर कमेंट्स में कोई ना कोई भाई बहन अपने से निजी जीवन से जुड़ी एक समस्या मुझे लिखता है। इससे यह बात तो साबित होती है कि संसार जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी है परेशानियाँ। कोई बहन लिख रही है, मेरा दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बिखर रहा है, मेरा पति शराब पीता है और शराब की बुरी आदत से मेरा बसा बसाया घर नष्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। कोई बहन लिखती है कि मेरे पति को कोई बुरी आदत नहीं है, परंतु हम दोनों में बनती ही नहीं, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने आते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है और यह झगड़ा इस रिश्ते को एक दिन निगल जाएगा, हमारा तलाक अवश्य होगा, ऐसा मुझे अनुभव होता है। कोई भाई मुझे लिखते हैं कि मेरी पत्नी का शायद किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है, इसकी वजह से मेरा घर बिखर रहा है, वह ना मुझ पर ध्यान देती है और ना ही बच्चों पर। बहुत सारे भाई मुझे लिख रहे हैं कि मैं पढ़ लिख कर रिटर्न भी निकाल लिया हूँ लेकिन इंटरव्यू में हमेशा रिजेक्ट हो जा रहा हूँ, मेरी काबिलियत बहुत अच्छी है परंतु मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। तो कोई भाई मुझे यह लिख रहे हैं कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मैं बचपन में बहुत तेज बहुत स्मार्ट हुआ करता था परंतु अब मैं बिल्कुल गोबर हो गया हूँ, मैं किसी काम का नहीं हुआ, सब मुझे कहते हैं कि अब तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम किसी काम के नहीं, तुम नालायक हो, परंतु मैं वास्तव में ऐसा हूँ नहीं, अब मेरा किसी कार्य में मन नहीं लगता और मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं पढ़ने लगूँ? कितनी सारी बहनों ने मुझे लिखा है कि हमारी शादी की उम्र पार हो रही है परंतु रिश्ता तय नहीं हो रहा, कभी लड़के को हम लोग पसंद नहीं करते और कभी लड़के वाले मुझे पसंद नहीं करते, कारण कोई भी हो, किसी भी बात से कारण रिश्ता टूट जाता है और रिश्ता मेरा तय नहीं हो रहा, लगता है कि आगे भी रिश्ता नहीं तय होगा। बहुत सारी बहनों की भाइयों की यह समस्या है कि विवाह को हो गए हैं बहुत सारे वर्ष परंतु उन्हें माता और पिता बनने का सुख, संतान सुख नहीं मिल पा रहा है। कुछ बहनें लिख रही हैं कि मुझे सिर्फ कन्याएं हैं, बहुत सारी लड़कियों को मैंने जन्म दे दिया परंतु मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो कहीं लगातार पुत्र ही पुत्र हो रहे हैं, एक कन्या के लिए कोई तरस रहा है। कहने का ये अर्थ है कहीं नौकरी नहीं है, कोई घर बनाना चाह रहा है अपनी मर्जी का परंतु 4 वर्ष 10 वर्ष बीत गए प्लानिंग करते हुए, ना धन है और धन है तो भी घर बनाने का योग नहीं हो पा रहा है। कोई एक गाड़ी लेना चाहता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है परंतु धन के अभाव में नहीं ले पा रहा। किसी की नौकरी काबिलियत होने के बाद भी बार बार छूट जा रही है और बार बार नौकरी बदलने के कारण प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं उसकी काबिलियत पर। कहने का अर्थ है जब हजारों समस्याओं ने घेर लिया है आपको, तो क्या कोई एक जादुई उपाय ऐसा है? कौन से है जादुई देवता जो अचानक से चाबी घुमाए और हमारी किस्मत का ताला खुल जाए? हाँ, मैं कहती हूँ कि जादुई देवता भी हैं कलयुग में और जादुई शब्द भी हैं, परंतु जरा सी जानकारी का अभाव है। आप आए हैं मेरे इस चैनल पर, आज आप स्वयं खोलेंगे अपनी किस्मत का ताला, सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपको बस इस एक छोटे से उपाय से ध्यान से सुनिए क्या करना है, कब करना है, ताकि किस्मत बदल जाए आपकी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, जिस भी भाई बहन का जन्मदिन किसी भी माह के 9, 18 या 27 तारीख के जन्मे व्यक्ति हैं, वो 9 मूलांक के होते हैं और उनका स्वामी ग्रह मंगल होता है, ये तो उनकी बात जो 9, 18 या 27 तारीख के जन्मे हैं। जो नहीं भी जन्मे हैं इस तारीख के, और यदि मंगल का दोष लगा है आपको, बार बार चोट लगती है, काम नहीं बनते हैं, तरक्की नहीं होती है, ब्लड से संबंधित समस्याएँ होती हैं, पैरों के नस चढ़ जाते हैं, ऑपरेशन होता है, सर फटता है, ध्यान से सुनिए, अपनी कनिष्ठा उंगली के बगल वाली यानी इंडेक्स फिंगर में आप एक मूंगा धारण कर लें, मूंगा 7 रत्ती से ऊपर होनी चाहिए।
मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाएं। मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर जाएं, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाएं, उन्हें तिलक दें और उनके दाहिने कंधे से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर तिलक लगाएं, माथा टेकें, दिया जलाएं, घर आ जाएं, बैठकर वहां हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें। मंगल से संबंधित जो भी दोष होते हैं वह आपके कार्य में बाधा करते हैं, ऑपरेशन होता है, घर, गाड़ी, बंगला कुछ भी लेने नहीं देगा, ना शादी तय होगी और शादी तय भी होगी, और यदि मंगल की महादशा चल रही है तो समस्याएं अनगिनत उत्पन्न हो जाएंगी। 100 समस्याओं का एक इलाज यदि कलयुग में कोई देवता है तो वह है हनुमान जी महाराज। उन्हें नमन करने मात्र से, उन्हें याद करने मात्र से जीवन की समस्त समस्याओं का अंत हो जाता है। तो मंगलवार के मंगलवार आप उनके मंदिर अवश्य जाएं, थोड़ा सा समय दें, राम राम का जप करें और देखें अपने भाग्य को बदलते हुए स्वयं अपनी आँखों से। अब ध्यान से सुनिए, यदि अनेक आपदाओं ने, अनेक परेशानियों ने आपको घेर रखा है, कोई भी काम नहीं बनते हैं, विवाह रुका है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही, नौकरी नहीं हो रही, बीमारी छोड़ नहीं रही, धन पानी की तरह घर से निकल रहा है या बच्चे बिगड़ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा या बार बार ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे रिश्ते नाते खोता चला जा रहा हूँ, तब करें सिर्फ एक चमत्कारिक प्रयोग। मंगलवार के दिन एक दिए में सरसों का तेल जलाएं, लगाएं और एक बाती लें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, कोई भी एक 108 मोती की माला लेकर हनुमान जी को यह दिया जलाएं, दिए में थोड़ा सा पीला सरसों अवश्य डाल दें, दिए का जलता हुआ मुंह हनुमान जी की दिशा में हो, यानी उनके चेहरे पर लौ पड़नी चाहिए, वहीं बैठें। ध्यान से सुनिए मित्रों, आपको 9 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है हनुमान जी के सामने, परंतु हर जाप से पहले 108 बार राम राम की माला जपनी है। एक बार आपने राम राम की माला जपी, उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद पुनः राम राम की माला जपी, पुनः हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर राम राम की माला, फिर हनुमान चालीसा का पाठ, अर्थात 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ और हर पाठ से पहले यानी 9 बार राम राम की माला का जप कीजिए, एक दिया जलाइए, माथा टेकिए और आपकी जो भी समस्या है हनुमान जी से कहिए और देखिए मिनटों में छुटकारा ना मिल जाए तो कहिए, कम से कम 9 मंगलवार आप इस नियम को फॉलो करें और अपने भाग्य को बदलता स्वयं अपनी आँखों से देखें। हर काम बनेंगे, तकदीर बदल जाएगी। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।